एकदम नई और इनोवेटिव रेसिपी है स्टीम्ड रोल की। अगर आप कुछ हेल्दी और टेस्टी खाना चाहते हैं तो ये रेसिपी आप एक बार जरूर ट्राई करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चना। वेलकम टू माय चैनल फूड। इस हेल्दी और टेस्टी स्टीम्ड रोल को बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप चने का दाल। इसे मैंने 2 से 3 घंटे के लिए सादे पानी में भिगो लिया था। उसके बाद इसके पानी को निकाल लें और इसे एक ग्राइंडर में डाल दें। अब इसमें डाल दें थोड़ा सा हींग, जीरा 1 छोटा चम्मच डाल दें, बारीक कटा हुआ लहसुन डाल दें, अदरक डाल दें अपने स्वाद के अनुसार और हरी मिर्च भी अपने स्वाद के अनुसार डाल दें। अब इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार डाल दें, थोड़ा सा पानी डाल दें और इसका एकदम फाइन पेस्ट तैयार कर लें। देखिए इस तरीके से मैंने इसका एकदम बारीक पेस्ट तैयार कर लिया है। अब इसे एक साइड रख लेते हैं। अब एक बर्तन लें, उसमें डालें 2 कप गेहूं का आटा, इसमें थोड़ा सा नमक डाल दें और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसमें डाल दें बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती, 1 कप बारीक कटा हुआ पालक डाल दें और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एकदम कड़ा आटा तैयार कर लेंगे। ध्यान रहे हमें आटा जो है एकदम कड़ा तैयार करना है, इसे गीला आटा नहीं बनाना है। अगर ये गीला होगा तो इससे हम जब रोल बनाएंगे तो बहुत दिक्कत होगा। आटा तैयार होने के बाद थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसे चिकना कर लें। अब इसे थोड़ी बड़ी लोइयां बना लें। अब इसके ऊपर थोड़ा सूखा आटा लगाएं और रोटी से थोड़ा मोटा इसे बेल लें। देखिए इस तरीके से मैंने इसे बेल लिया है। अब इसके किनारों को भी क्लियर कर लेते हैं। किसी चाकू या कटर की सहायता से इसे काट लें जिससे कि रोल बनाने के बाद देखने में जो है अच्छा लगेगा। अब इसके ऊपर दाल का पेस्ट 2 से 3 चम्मच अच्छी तरह फैला लें। अगर आप इसे बहुत जल्दी बनाना चाहते हैं तो इसमें आप दाल की जगह बेसन का भी यूज कर सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा लगता है। किनारों को इस तरीके से गीला कर लें और इसे हल्के हाथों से रोल कर लें। इसी तरीके से बाकी के रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए ये रोल मैंने तैयार कर लिया है, तो अब इसे स्टीम कर लेते हैं। स्टीम करने के लिए मैंने पहले से ही कुकर में पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इस ट्रे को इसके अंदर रख देंगे। अब इसे कवर करें और 15 से 20 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर छोड़ दें। 15 मिनट हो चुका है तो इसे एक बार चेक कर लेते हैं। किसी चाकू या नुकीली चीज़ को डालकर इसे देख लें। अगर ये चिपकता नहीं है तो ये पक चुका है। अगर चिपक रहा है तो इसे 5 मिनट और स्टीम होने दें। हल्का ठंडा हो जाने के बाद आप इसे कट कर सकते हैं। इसे आप मनचाहे आकार में बड़ा या छोटा जैसा मर्जी आप कट कर सकते हैं। इसे आप इस तरीके से भी सर्व कर सकते हैं या आप इसे फ्राई भी कर सकते हैं। इसे आप किसी भी सब्जी के साथ या मनपसंद चटनी के साथ आप सर्व कर सकते हैं। इसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं इसे फ्राई करके भी दिखा देती हूँ इसे कैसे फ्राई करना है। एक पैन में अपना कोई भी तेल जो आप यूज करते हो उसे गर्म करें और इसे हर तरफ से अच्छी तरह फ्राई कर लें। अच्छी तरह फ्राई हो जाने के बाद इसे किसी पेपर नैपकिन पर निकाल लें। चाय या कॉफ़ी के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। थैंक यू।